भट्टी कांड पर बड़ा अपडेट सामने आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट पहुंचे नरसिंहपुरा और पीड़िता के परिवार से की मुलाकात। परिवार को दी सांत्वना और शोक संतप्त परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सैकड़ों की संख्या में पायलट के समर्थक पहुंचे नरसिंहपुरा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सचिन पायलट पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, ढांढस बनाया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि कोटली भट्टी कांड पर ये बड़ा अपडेट और इस पर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह बयानबाजी भी सामने आ रही है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट, सचिन पायलट मिलने पहुंचे और उनके साथ उनके कई समर्थक भी पहुंचे। वाकई में शर्मसार करने वाली घटना है और इसके बाद इस मामले में त्वरित कार्रवाई की बात भी सामने आई है, कार्रवाई की भी गई है। करीब 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा के भट्टी कांड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पुलिस पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है और इससे पहले उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अब अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि वो बयान उन्होंने घटना से संबंधित पुलिस थाने के बारे में दिया था। उनको पीड़ितों ने जिस तरह की बात बताई थी उसी को लेकर उन्होंने पुलिस पर बयान दिया था। प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूरी पुलिस ऐसी नहीं है लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जनता सबक सिखा देगी। कोई भी पीड़ित की प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, वहाँ परेशानी में लोग वहाँ जी रहे हैं, किस प्रकार के हालात है वहाँ के, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों की पीड़ा। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा पुलिस फोर्स बदनाम नहीं है, सिर्फ कुछ जन पुलिस वाले वहाँ नहीं। मैंने पर्टिकुलर उस थाने में था और उस थाने की बातचीत की, वहाँ उस पीड़ित परिवार ने रो रो के कहा साहब कि हम कागज नहीं दिया गया हमें रिपोर्ट देने के लिए, हमें कहा गया कि कैसे किस प्रकार से वो शराब के नशे में थे और बच्ची के लिए कहाँ गई, नाते गई, किसके साथ गई। कहाँ पीड़ित को आप न्याय दिलाने की जगह और प्रताड़ित करेंगे तो कैसे वो परिवार जिएगा, आम आदमी कैसे जिएगा।